हेलो बच्चों, चिल्ड्रेन, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको हिंदी सेकेंड बुक से पाठ पढ़ाए थे। आज आपको हिंदी सेकेंड से मैं पाठ 11 अविकारी शब्द, ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। काफी बड़ा चैप्टर है, इसको हो सकता है ये आपका 2-3 पार्ट्स में कंप्लीट हो चैप्टर ना, जैसा भी होता है देखते बना स्टार्ट करते हैं पढ़ाना। तो सब लोग ओपन करिए अपनी बुक, पेज नंबर 51, पार्ट 11 अविकारी शब्द, ठीक है। हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें लिंग, वचन और काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहा जाता है या अपव्यय शब्द भी कहा जाता है। अविकारी शब्दों के भेद कौन कौन से होते हैं, देखिए अविकारी शब्दों के चार भेद देखते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, जिसको कि इंग्लिश में कंजक्शन कहते हैं, घव है विस्मय आदि बोधक। 4 होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। क्रिया विशेषण क्या है? आप लोगों ने क्रिया तो पढ़ा है, अब क्रिया विशेषण क्या है उसके बारे में जानते हैं। देखिए एक इसमें छोटी सी स्टोरी लिखी हुई है, कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, वो पढ़ते हैं। जंगल में एक कछुआ और एक खरगोश साथ साथ रहते, वे दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। कछुआ धीरे धीरे चलता था और खरगोश तेज दौड़ता था। अब देखिए उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, जो पिंक कलर से लिखे हुए हैं आपकी बुक में, ये आपको विशेषता बता रहे हैं, यानी क्रिया की विशेषता। अब देखिए रहते थे क्रिया है, लेकिन कैसे रहते थे? साथ साथ, तो साथ साथ क्या हो गया, ये विशेषता बता। फिर देखिए खरगोश तेज दौड़ता था, दौड़ता तो क्रिया हो गई और तेज क्या हो गई, इसकी विशेषता। तो क्रिया विशेषण इस प्रकार से बनता है। मैम धीरे धीरे पढ़ाती है, पढ़ाना क्या हो गया, क्रिया हो गई, और धीरे धीरे पढ़ाती है क्या हो गया, उसकी विशेषता बताती है, कैसे पढ़ाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। अब देखिए क्रिया विशेषण की परिभाषा भी इसमें दी हुई है, उसको भी आपको याद करना है। जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण, इसमें क्या होता है देखते हैं। जो शब्द क्रिया स्थान या दिशा संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे निकट, पास, दूर, यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, इस ओर, उस ओर, आगे, पीछे आदि। अब ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया, पर्टिकुलर एक स्थान पे बता रहे हैं कि राधा ऊपर बैठी है, बैठी है तो क्रिया हो गई और उसका स्थानवाचक क्या हो गया, क्रिया विशेषण ऊपर, है ना। इस प्रकार से ये सारे शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। देखिए इसमें वाक्य भी दिए हुए हैं, हमें कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, पिताजी बाहर जा रहे हैं। तो बाहर और इधर उधर क्या हो गया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब हम आते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम। आप लोग में भी इंग्लिश में भी पढ़ रहा होगा या पढ़ा होगा आपने। जो शब्द क्रिया के होने या क्रिया के करने के समय का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कभी कभी, हमेशा, आज, कल, परसों, प्रातः, साय, पहले, बाद में, जब, तब, अब, तत्पश्चात, लगातार, प्रतिदिन आदि। जब ये सारे शब्द लगे तो समझ जाइए कि
कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि उसमें पर्टिकुलर एक टाइम बता रहा है कि ये काम अभी बारिश हो रही है, अब धूप तेज निकल आई है, तो धूप निकल आई है आपका क्या हो गया, निकल आई है क्रिया हो गई। और अब जो हम बता रहे हैं समय बता रहे हैं कि अभी अब धूप निकल आई है, तो ये क्या हो गया, कालवाचक क्रिया विशेषण, है ना। इसके बाद आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। जो शब्द क्रिया के होने की रीति या तरीके का बोध कराते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे धीरे धीरे, तेज, अनायास, शीघ्रतापूर्वक, विनयपूर्वक, ध्यानपूर्वक, चुपके चुपके, झटपट, हंसकर, कृपया, ना, नहीं, मत, तो भी आदि, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे कि घोड़ा तेज दौड़ता है, तो घोड़ा कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, ये उसकी रीति बताई जा रही है, उसके काम करने का ढंग बताया जा रहा है ना। मधु ध्यानपूर्वक पढ़ रही है, तो ध्यानपूर्वक पढ़ने को क्या कहेंगे हम, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, है ना। पढ़ना तो उसकी क्रिया हो गई, और कैसे पढ़ रही है वो, ध्यानपूर्वक पढ़ रही है, यानी उसका तरीका बताया जा रहा है कि ध्यान लगाकर। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, जिसमें कि कुछ नापतोल होती है। जो शब्द क्रिया के नापतोल, मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे इतना, उतना, जितना, कम, ज्यादा, बहुत, कुछ, अत्यंत, थोड़ा, केवल, थोड़ा सा। ये सारे जो शब्द जब आते हैं तो आप समझ जाइए परिमाणवाचक, जैसे मेरे ग्लास में थोड़ा सा पानी है, तो ये क्या हो गया आपका, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, है ना। आज मैं बहुत कम पढ़ाऊंगी, क्या हो गया परिमाणवाचक, बहुत कम बता रही हूँ कि अंदाज से कम पढ़ाऊंगी, है ना। इस तरह से देखिए, फिर उदाहरण भी इसमें दिए हुए हैं। सुशील तरबूज बहुत खाता है, यानी सुशील जो है वो तरबूज ज्यादा खाता है, है ना। गिलास में दूध आधा भरा है, गिलास में कितना दूध है, आधा, तो ये परिमाण बता रहे हैं, नापतोल बता रहे हैं, है ना। एक बाल्टी पानी भरा रखा है, तो बाल्टी में क्या है, पानी पूरा भरा हुआ है, ये हम नाप बता रहे हैं, परिमाण बता रहे हैं, इसको कहते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसके बाद आता है संबंध बोधक। संबंध बोधक क्या होता है, प्रीपोजिशंस जिसको कि कहते हैं, जिससे कि वो एग्जैक्टली पता चलता है कौन चीज कहाँ पर स्थित है, संबंध बोधक। जैसे इसमें देखिए, तो तीन वाक्य लिखे हुए हैं, घर के बाहर एक मदारी आया है, उसके पास एक भालू है, वह भालू के आगे डंडा पीटता है, भालू के साथ एक बंदर भी है। अब जो भी इसे पिंक कलर से लिखे हुए हैं, वो सारे शब्द जो भी रंगीन लिखे हुए हैं, संबंध बोधक है। घर के बाहर, बाहर बता रहा है, संबंध बता रहा है घर से, और बाहर का संबंध बताया जा रहा है मदारी का। उसके पास यानी किसके, मदारी के पास, मदारी का संबंध किसे बता रहे हैं, भालू से बता रहे हैं कि उसके पास एक भालू है। फिर भालू के आगे डंडा पीटता है, भालू के लिए आगे शब्द यूज करते हो कि उसके आगे डंडा पीटता है, तो ये संबंध बताया जा रहा है ना। ये सारे रंगीन शब्द जितने इसमें लिखे हैं वाक्य में, के बाहर, के पास, के आगे, के साथ, ये सारे संबंध जो है मदारी और भालू से जोड़े जा रहे हैं, इसलिए ये संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों। अब इसके बाद संबंध बोधक की परिभाषा देखिए, बुक में लिखी हुई है, पेज नंबर 53 पे देखिए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। चलिए, आज इस वीडियो में मैं आपको
संबंध बोधक की परिभाषा रखी पढ़ाऊंगी। इसके आगे का जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। ओके, तब तक जितना पढ़ाया है ना उसको रिवाइज करिएगा, जिसको समझ में नहीं आएगा फिर लाइव क्लास में पूछिएगा। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के।